जरा सोचो दोस्तों, तुम MBBS पढ़ने कोई बाहर की कंट्री जाते हो, बीट चाइना, बीट रशिया, बीट यूक्रेन, बीट कजाकिस्तान, बीट बांग्लादेश, एंड सडनली द कोविड पैंडेमिक हिट्स। तुम लोग सब लोग घर लौट जाते हो एंड यू हैव योर ऑनलाइन क्लासेस। और अगर यूक्रेन में तुम लोग FMGE परस्यू कर रहे थे तो फिर तो बात ही छोड़ दो। मतलब नेक्स्ट दिन तुम जिंदा रहोगे कि नहीं ये तुम्हें पता नहीं होगा। यू आर स्पेंडिंग योर डे एंड नाइट्स इन द बंकर्स इन द फियर ऑफ डेथ। आफ्टर दैट थिंग्स टेंड टू नॉर्मलाइज, द कोविड पैंडेमिक एंड्स एंड द क्लासेस रिज्यूम नॉर्मली, द ऑफलाइन क्लासेस हैपन। और उसके बाद सडनली NMC से एक को नोटिस आता है कि यू हैव टू सर्व 2 to 3 years ऑफ इंटर्नशिप टू गेट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो कैसा लगेगा तुमको दोस्तों? यस, दिस इज द थिंग दैट NMC हैज रिलीज द न्यू नोटिस। यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑल्सो दैट दे हैव मेड कंपल्सरी 2 to 3 years ऑफ मैंडेटरी रोटेटरी इंटर्नशिप फॉर दोज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, दोज हु हैव डन फाया ऑनलाइन क्लासेस। मतलब इसका कोई सेंस बनता है क्या? ऑनलाइन क्लासेस FMG भी किए थे और IMGs भी किए थे, तो खाली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ ही ये भेदभाव क्यों होगा? एंड इन आर इंटर्नशिप इन इंडिया वी नो दैट कितना क्लिनिक सिखाया जाता है। अबाउट 80 to 90% ऑफ द वर्क इज क्लरिकल वर्क, दैट इज डूइंग कैनूला, ड्रॉइंग ब्लड सैंपल्स एंड इन सम केसेस यू कैन डू स्टिचेस, बट 1 year इज एनफ फॉर दैट। आई पर्सनली फील 1 year इज एनफ टू लर्न ऑल द एसेंशियल स्किल्स। तो 2 से 3 साल तक इंटर्नशिप करके क्या फायदा होगा? आर यू गोइंग टू मेक देम MS कैनुलोलॉजिस्ट, MS फ्लेबोटोमिस्ट और MS आई डोंट नो व्हाट टू से। इफ यू आर रियली वरीड अबाउट देयर इंटीग्रिटी एंड नॉलेज, तो नॉलेज तो FMG एंट्रेंस एग्जाम से टेस्ट हो रहा है एंड इंटीग्रिटी इज चेक्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स दे आर गेटिंग। आई नो द सिस्टम इज फ्लॉड ऑफ गेटिंग कंप्लीशन, मेनी कैन गेट द कंप्लीशन विदाउट डूइंग प्रॉपर वर्क और द असेसमेंट इज नॉट डन प्रॉपरली टू सी वेदर दे नो द स्किल्स और नॉट। दिस इज सेम फॉर द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो अगर तुमको असेसमेंट सिस्टम बेहतर करना है तो फिर यू हैव टू इंस्टीट्यूट समथिंग सेंट्रलाइज्ड, समथिंग यूनिवर्सल, सो दैट द असेसमेंट इज मेड परफेक्ट। बट डूइंग 2 to 3 years ऑफ इंटर्नशिप एंड लर्निंग द सेम थिंग इज नथिंग बट एन मेंटल हैरेसमेंट आई फील। भाई देखो, द लास्ट डेट ऑफ माई थीसिस सिनॉप्सिस सबमिशन इज 15th of June। आज को 12 जून है, फिर भी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ बिकॉज इन माई व्हाट्सएप ऑल्सो द कैप्शन आई राइट इज व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेजिस्टेंस बिकम्स ड्यूटी। और मैं बाकी फैकल्टीज की तरह नहीं हूँ कि जस्ट एक को नोटिस का फोटो पोस्ट करके इंस्टाग्राम में छोड़ दूंगा या फिर ट्विटर में छोड़ दूंगा। आई एम विथ यू गाइज, दिस वीडियो इज विथ यू गाइज, सो डू शेयर द वीडियो टू everyone। एंड मैंने आज को ही नया ट्विटर अकाउंट खोला है, तुम लोग यहाँ पे ही देख सकते हो। तो लेट्स मेक सम पोस्टर्स रिगार्डिंग स्क्रैप द न्यू NMC रूल्स और मेक चेंजेस एंड लेट्स ट्रेंड द हैशटैग ऑफ जस्टिस फॉर FMGE। ओके, जस्टिस फॉर FMGE एंड टैग NMC एंड द हेल्थ मिनिस्टर। आफ्टर दिस नाउ आई एम गोइंग टू आंसर सर्टेन कमेंट्स विच केम आफ्टर आई क्रिएटेड द पोल एंड दैट शोज मी वाई डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स बेस्ट एनिमीज। सो एक एक करके कमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं अपना रिप्लाई दूंगा। आई एम हाइडिंग द आइडेंटिटी। सो फर्स्ट कमेंट इज ठीक করেছে আমার সাথে যে এক্সটার্ন কাজ করতো অ্যামোক্সিক্লাভের ডোজ জানতো না, মারমার মানে বুঝতো, লাংসের ফাইব্রোসিস হলে যে সাউন্ড পাওয়া যায়। সো দিস গাই ইজ টেলিং দ্যাট দ্য এক্সটার্ন ডিডেন্ট নো দ্য বেসিক্স। সো বেসিক্স ক্যা ইসে ক্লিয়ার হোঙ্গে ইন্টার্নশিপ করকে? সি,
those who are doing externship also after that they give the FMGE exam. तो अगर उसका basics clear नहीं है तो वो FMGE exam clear नहीं कर पाएगा, तो उसको registration नहीं मिलेगा. So don't worry about that, okay? उन लोगों को registration नहीं मिलेगा. Another comment that has got most likes, I have seen FMGs who don't even know to draw blood samples. They are easily getting accumulated easily in PHCs and causing trouble. Hope they maintain strict order of 3 to 4 years of internship. Now, you are telling that they don't attend the duties. I agree. Certain cases it may happen. But mera internship mein jab tha, to ek ko didi thi. When my internship started, I didn't knew to draw blood or do cannula. I drew the blood showing a YouTube video only. I posted the whole video on YouTube vlog also. My first night duty in ENT. So in that only she was there and she helped us in doing all the cannula. So sab log aise nahi hote hain. Giving one or two examples doesn't define them. I can also say that there are many interns, those who don't do their duties and they send whole replacements and they also don't know how to maybe do sutures. So there are both sides of the coin. So what I said that the evaluation system needs to be good. तुम क्या सोच रहे हो कि अगर एक जन को 1 year में ब्लड ड्रॉ करना नहीं आता है या फिर वो उसने नहीं सीखा तो 3 से 4 साल करने से वो सीख जाएगा. So I would tell you to sit calm and think about the matter, especially the Indian medical graduates. And if you feel that you are convinced that you should protest against this, then do share my video so that this reaches to the ears of the NMC also, those who are sitting in the NMC. ऐसा बहुत सारा चीज़ें NMC लाई है, फिर से retreat भी की है. जैसा in our time also, the last date of internship completion given by NMC was 31st of March. It was then repealed to 15th of August. So there are some mistakes that happen. Everyone is prone to do mistakes. But if some injustice is happening, we should protest against that. I have full trust on the central government and the NMC that they would consider this matter. So the only thing that we need to do is we have to bring this matter into their attention that this is causing problem to the FMG students. So let's trend the Twitter hashtag justice for FMGs and let's tag NMC and let's mail NMC also to reconsider about the fact. I know this was a different kind of video, but I felt it necessary to make this video, okay? I end this video saying, Bharat Mata ki Jai!